धारदार हथियार से महिला पर वार कर की गई हत्या। जी हां, आपको बता दें, बिजनौर के नगीना देहात में मकान बंद कमरे में मिली महिला की लाश, मचा हड़कंप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका दोस्त फैसल खान आपको आज बड़ी खबर से रूबरू कराना आया है। वो बड़ी खबर यह है, बिजनौर के नगीना देहात में एक गांव पड़ता है नजदीक, वहां पर बंद कमरे में एक महिला की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। जिस महिला की हत्या करी है दोस्तों, उसका नाम फिरोजा बताया जा रहा है और उनके पति का नाम मोहित है। मोहित जो नाम है, वो एक साल पहले इनके पति की मौत हुई थी और ये गूंगे थे दोस्तों। और आज इन महिला की मौत जो हुई है वो धारदार हथियार से वार कर कर की गई है। फिलहाल जो खबर दिखाने का उद्देश्य है दोस्तों, सबसे पहले खबर दिखाने का उद्देश्य है, क्योंकि बिजनौर खबर टीवी सबसे पहले खबर दिखाता है। कोई अगर बड़ी वारदात होती है तो बिजनौर खबर टीवी का उद्देश्य रहता है कि दर्शकों को हर खबर तुरंत मिले। इसीलिए मैं आज आपको सबसे पहले खबर दिखा रहा हूं। खबर यह है दोस्तों कि बिजनौर के नगीना देहात एक थाना पड़ता है, वहां के नजदीक एक गांव है जहां पर जो फिरोजा नाम की महिला है, जिनकी उम्र 65 वर्ष बताई जा रही है, गले में धारदार हथियार से वार हुआ है। डेड बॉडी बताया जा रहा है कि 12 घंटे से पहले इनका मर्डर किया गया है। फिलहाल पुलिस हर विषय पर जांच कर रही है। SP ग्रामीण मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस का कहना है, फिलहाल हम अपने तरीके से जांच कर रहे हैं, आगे क्या मामला आए वो तो अलग ही बात है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है दोस्तों, वो ये पता चला है, जो फिरोजा नाम की वृद्ध महिला है, मतलब बुजुर्ग महिला है, वो बंद कमरे में पड़ी थी, बाहर से ताला लगा हुआ था। अलग अलग विषय पर बात हो रही है, लेकिन हत्या का क्या कारण है, हत्या क्यों हुई है, किसने की है, इस जो पूरी जांच SP नीरज कुमार जादौन ने कई टीमें लगा दी हैं, वो जांच कर रही हैं। फिलहाल मर्डर हुआ है और मर्डर बिजनौर में होने पे हड़कंप मच गया है। पुलिस महकमा भी लगातार कोशिश कर रहा है कि हत्या किसने की है और कारण क्या रहा है। दोस्तों, ये खबर दिखाने का यही उद्देश्य कि आपको हमने खबर दिखाई, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना, क्योंकि हम आपको हर खबर तुरंत दिखाते हैं। तुरंत दिखाने का उद्देश्य यही रहता है कि दर्शकों को पता रहे कि बिजनौर में क्या हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।